नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हैं? क्या मैंने सुना बहुत अच्छे? यह जानकर खुशी हुई। क्या हम आज के क्लास की शुरुआत एक खेल से करें? कृपया अपनी कुर्सियां छोड़ दें और खड़े होकर एक बड़ा सा गोला बनाएं। जब आप गोले में खड़े हो चुके हों, तब मैं आप सभी को एक चौक का टुकड़ा दूंगी। चौक से आप अपने पैरों के चारों तरफ एक चक्र बना लें। अब आप सब देखेंगे कि आप एक चक्र के अंदर हैं। फिर मैं जो निर्देश दूं, उसे ध्यान से सुने। अगर वह निर्देश आप पर लागू होता है तो आप तुरंत मेरे कहे अनुसार अपने चक्र से बाहर निकलकर अपना स्थान किसी साथी के साथ बदल लें। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूं जिन लोगों के पास लाल रंग की पेंसिल है, तो जिन लोगों के पास लाल पेंसिल है वे तुरंत अपना स्थान उनके साथ बदल ले जिनके पास भी लाल पेंसिल है। या फिर जब मैं कहूं जिन लोगों के पास रुमाल है, तब ऐसे लोग अपने चक्र से बाहर निकलकर उनके साथ स्थान बदलेंगे जिनके पास रुमाल हो। जिसे जगह बदलने के लिए कोई साथी नहीं मिला, वह खेल से बाहर हो जाएगा। बाकी लोगों को अपने चक्र में ही रहना है। क्या आप खेल के नियम समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा रहा? क्या आपको मजा आया? अच्छी बात है। क्या आपने यह खेल अकेले खेला या अपनी कक्षा के और लोगों के साथ? हाँ, आप सबके साथ खेले, आप अकेले नहीं खेले। क्या आप यह खेल अकेले खेल सकते हैं? नहीं। सिर्फ यह खेल नहीं, बल्कि ऐसे कई खेल हैं जो आप अकेले नहीं खेल सकते। जितना मज़ा दोस्तों के साथ खेलने में आता है, उतना मज़ा अकेले खेलने में नहीं आता। इसी तरह इस दुनिया में भी हम अकेले नहीं हैं, हम कई लोगों के साथ रहते हैं और हमारे बहुत से रिश्ते होते हैं। चलिए एक कहानी के माध्यम से हम रिश्तों के बारे में कुछ और भी जानें। आपके शहर के प्रदर्शनी मैदान में एक विशाल गोल चक्कर लगाया गया है। सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, सब बहुत उत्सुकता से उस पर सवारी करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ऊंचाई पर जाकर सारे शहर का रोमांचक नज़ारा देखें। आप भी उसकी सवारी करना चाहते हैं। आपकी माँ ने आपके साथ रविवार को वहाँ जाने की बात मान ली है। रविवार आ गया है और आप अपनी माँ के साथ मैदान में खड़े हैं। कुछ ही दूरी पर आप गोल चक्कर को देख सकते हैं और आपकी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही है। जैसे जैसे आप गोल चक्कर के पास पहुंच रहे हैं, आपके मन में अजीब सी भावनाएं आ रही हैं। डर, उत्सुकता, रोमांच, जोश। आपकी माँ आपको बक्से में बनी सीट पर बैठाकर पीछे हट जाती है। गोल चक्कर घूमने लगता है और आपका बक्सा सबसे ऊपर पहुंच जाता है। आप सारे शहर को देख सकते हैं, नदी, मंदिर, आपका स्कूल, यह सब बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हैं। आपको यह सब बहुत ही रोमांचक लग रहा है।
आप यह छवि अपने मन में बसा लेना चाहते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इतनी ऊंचाई पर तेजी से चलता हुआ गोल चक्कर आपको जैसे दूसरी ही दुनिया में ले जा रहा है। आंखें बंद, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप में कोई वजन ही नहीं है, जैसे आप बिल्कुल उन्मुक्त और हवा में तैर रहे हैं। और फिर आप आराम से नीचे आ जाते हैं। आपकी आंखें अब भी बंद हैं, कोई शोर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा है। आप अपनी आंखें खोलते हैं, पर यह क्या, आप तो एक टापू पर पहुंच गए हैं। आप वहां चलने लगते हैं, वहां पर बहुत सारी रेत है, पर आपको एक पेड़ भी नजर आ रहा है। आप उस पेड़ तक चल कर जाते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं। शाम होने वाली है, सूरज ढलने की तैयारी में है, अंधेरा बढ़ रहा है, आप बिल्कुल अकेले हैं। तब आप सोचते हैं कि काश मेरे करीबी लोग भी मेरे साथ यहाँ पर होते। जब आपने उन लोगों के बारे में सोचा जो आपके साथ टापू पर होते, तब आपके मन में किन लोगों का विचार आया? कृपया एक सूची में उन सभी लोगों के नाम लिख दीजिए। उन नामों की सूची बनाने के बाद आप अपनी नोटबुक में से एक पन्ना निकाल लें, पन्ने पर एक चित्र बनाएं। यह ध्यान रहे कि वह चित्र पन्ने के ठीक बीच में हो। आपका चित्र ऐसा दिखना चाहिए। कल्पना कीजिए कि यह चित्र आपका ही है। अब इस सुनसान टापू पर आप अपने साथ किसे देखना चाहेंगे? उन लोगों के नाम इस चित्र के चारों तरफ लिख दीजिए। उदाहरण के लिए, आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे? आपके करीबी लोग कौन हैं जिन्हें देखकर आपको अच्छा महसूस होता है? क्या वह आपकी माँ है? तो चित्र के पास माँ लिख दें। आप और किसे अपने साथ टापू पर देखना चाहेंगे? सभी नाम चित्र के चारों तरफ लिख दीजिए। अगर आप अपने पिता को सबसे पहले देखना चाहेंगे तो वहां पर पिता लिख दीजिए। अगर आप अपने दादाजी को देखना चाहेंगे तो वहां लिख दीजिए। उन सब लोगों के नाम लिख दीजिए जिन्हें आप सबसे पहले देखना चाहेंगे, और उनके नाम के चारों तरफ एक गोला यानी कि चक्र बना दीजिए। क्या आप समझ गए? इसी तरह आप उन सब लोगों के नाम लिखिए जिन्हें आप इसके बाद देखना चाहेंगे। इन नामों के चारों तरफ भी एक चक्र बनाना है। क्या आपको कोई संदेह है? क्या मैं भारतीय सेना का नाम लिख सकता हूँ? क्योंकि यह सब रक्षा करती हैं। देखिए, एक काल्पनिक कहानी है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि जब आप मुसीबत में हो तब आपको किसे देखकर अच्छा महसूस होगा। जैसा कि पहले बताया गया था, आप ऐसे लोगों के नाम लिखेंगे जो किसी भी तरह से आपके करीब हों। क्या अब आप समझ गए? चलिए नाम लिखना शुरू करें। क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया? जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, आपकी आकृति बीचों बीच है
और उसके चारों तरफ रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम आपके द्वारा चुने गए क्रम में हैं और आपने उन नामों के चारों ओर चक्र भी बनाया है। सही है। चित्र के बीच एक चेहरा होगा और उसके चारों ओर पहले चक्र में माँ, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी लिखा है। दूसरे चक्र में दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के नाम होंगे। तीसरे चक्र में आपके परिवार के और लोग व पड़ोसियों के नाम होंगे। इस चित्र का नाम होगा रिश्तों के चक्र। ये चक्र हमारे रिश्तों के बारे में बताते हैं, इसीलिए इसका नाम रिश्तों के चक्र रखा गया है। इसीलिए कृपया अपने पन्ने पर रिश्तों के चक्र लिख दें। क्या आपने यह लिख लिया है? क्या हम अगले कार्य की ओर बढ़ें? आपने जिन लोगों के नाम चक्रों में लिखे हैं उनमें से आप किन लोगों से रोज मिलते हैं? कौन से लोग आपके सबसे ज्यादा करीब हैं? क्या आप उन नामों की एक सूची बना लेंगे? क्या आपने उन लोगों की सूची बना ली? अब इस सूची के लिए एक शीर्षक लिखें। हम इन लोगों से रोज मिलते हैं। क्या आपकी सूची में ये सब नाम लिखे हैं? कृपया जांच लीजिए। माँ, पिता, भाई, बहन, दादी, दादा, करीबी रिश्तेदार, परिवार से जुड़े अन्य लोग, दोस्त, टीचर, हमारे शुभचिंतक, पड़ोसी, हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोग, आसपास में रहने वाले लोग, हम इन सब लोगों से रोज मिलते हैं। इनमें से हमारे सबसे ज्यादा करीब कौन है? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे दोस्त, टीचर, शुभचिंतक, हम इन सब से रोज मिलते हैं और इन सब के साथ उठते बैठते हैं। है ना? कोई संदेह? हमारे घर के सामने की दुकान का मिठाई वाला, हमारे करीबी लोगों के रिश्ते के चक्र में आ सकता है क्या? क्या आप यह प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं, वह बिल्कुल भी उस वर्ग में नहीं आ सकता। तो फिर करीबी रिश्ता क्या होता है? करीबी रिश्ता उन लोगों से बनाया जा सकता है जिन्हें आप अपने मन की बातें, अपने डर और अपनी भावनाएं बता सकें। क्या आप अपने विचार और सारी भावनाएं उस मिठाई वाले को बिना झिझक के बता सकते हैं? इस वजह से वह करीबी रिश्तों के वर्ग में नहीं गिना जा सकता। अब हम अगले कार्य पर जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि वे कौन से लोग हैं
जिन्हें हम जानते हैं पर हम उनसे रोज नहीं मिलते। क्या आप में से कुछ छात्र यहाँ आकर उन लोगों के नाम बताएंगे? आपको यह भी बताना है कि आप उन्हें कैसे जानते हैं। उन लोगों के नाम बताने के लिए शुक्रिया। हमारी जान पहचान के लोग, परिवार से जुड़े हुए लोग, कुछ दोस्त, शुभचिंतक और रिश्तेदार, हम इन सब लोगों से कभी कभी ही मिलते हैं, पर हम इन लोगों को अपने करीब मानते हैं। क्या हम अगले कार्य पर चलें? क्या आप उन दोस्तों, रिश्तेदारों की सूची बना सकते हैं जिनके साथ आप अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं? आपको जोड़ियां बनाकर इसके बारे में बात करनी है। आपको अपने साथी को यह भी बताना है कि आप इन लोगों से करीबी रिश्ता क्यों बनाए रखना चाहते हैं। अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। आमतौर पर हम अपने रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों के साथ अच्छा करीबी रिश्ता रखते हैं, है ना? हम करीबी रिश्तों को क्यों बनाए रखना चाहते हैं? चाहे हम इन लोगों से रोज़ मिले या ना मिले, ये रिश्ते ऐसे हैं जो ज़रूरत के समय में हमारे साथ होते हैं। जब हम मुसीबत में हों तो वे हमारी मदद करते हैं, हमारी कामयाबी में वो भी खुश होते हैं, जब हम निराश हों तो हमें हिम्मत बंधाते हैं, हम गलत हों तो हमें सही करते हैं। इसीलिए हमें इन रिश्तों को अच्छी तरह निभाना चाहिए। जो लोग हमारे करीब हैं उन्हें ठीक से समझना चाहिए। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ कहने या करने के पीछे उनका इरादा क्या है। हमें उनकी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि हम दूसरे रिश्तों पर ध्यान ना दें? बिल्कुल नहीं। किसी भी रिश्ते को बनाए रखना आसान नहीं होता, पर उसे तोड़ना काफ़ी आसान होता है, और किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना भी आसान नहीं होता। इसलिए हमें सभी रिश्तों को बहुत ही नज़ाकत से निभाना चाहिए। हम ये कैसे कर सकते हैं, मैं समझाती हूँ। आपने कमल के फूल का पत्ता देखा है? जब आप उस पत्ते पर थोड़ा सा पानी गिराते हैं तो वह पानी ना तो नीचे बहता है और ना ही पत्ते पर चिपकता है। हमें भी अपने रिश्तों को इसी तरह बनाए रखना चाहिए। करीब होते हुए भी ज़्यादा करीब ना होना, उचित दूरी बनाए रखना। क्या आप समझ गए? दूसरे कार्यकलाप पर जाने से पहले हम साथ में एक गीत गाएंगे। आइए यह गीत सुनते हैं। रंग रंग कैसा रंग, तुझे पसंद पीला रंग, तुझे पसंद कैसा रंग, रंग 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 रंग। क्या आपने ध्यान दिया? यह गीत इस तरह से है। रंग रंग कैसा रंग, मुझे पसंद
पीला रंग। यहाँ पर पीले रंग की बात कही गई है। उसी तरह आपको अपने पसंदीदा रंग बताते हुए इसे गाना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पीला रंग पसंद है तो आपको इसे इस तरह गाना है। रंग रंग कैसा रंग, मुझे पसंद पीला रंग। क्या हम साथ में गाएं? रंग रंग कैसा रंग, मुझे पसंद पीला रंग। तुझे पसंद कैसा रंग, रंग 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 रंग। संसार रंगों से भरा है, वो हर एक रंग में रूप है। संबंध फैले हैं उनके जैसे, हर एक संबंध का महत्व है। दुनिया में रंग अनेक है, साथ मिले सुंदरता निखरे। संबंध सब है बुने हुए, हर एक संबंध की पहचान है। दुनिया में रंग अनेक है, साथ मिले सुंदरता निखरे। संबंध सब है बुने हुए, हर एक संबंध की पहचान है। रंग रंग कैसा रंग, मुझे पसंद पीला रंग। तुझे पसंद कैसा रंग, रंग 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 रंग। सबने अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। आप सबको कैसा लग रहा है? आप खुश हैं? अच्छी बात है। आपने ध्यान दिया कि इस गीत का क्या संदेश था। गाने में यह बताया गया है कि दुनिया में बहुत से रंग हैं, उसी तरह दुनिया में बहुत से रिश्ते भी हैं। जिस तरह हमारे जीवन में रंग होने चाहिए, उसी तरह रिश्ते भी होने चाहिए। और हमें रिश्तों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या हम इस संदेश को आज के दिन का संदेश माने? क्या हम अब अगले कार्य पर जाएं? अब हमें एक अभिनय करना है। कमल और विमल एक ही स्कूल में पहली कक्षा से एक साथ पढ़ते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर पांचवी कक्षा से विमल दूसरे स्कूल में चला गया और वे दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। अब बहुत समय के बाद वे एक दूसरे से किसी बस स्टॉप पर मिले। क्या आप दोनों यहाँ आकर कमल और विमल बनकर अभिनय कर सकते हैं? आप दोनों ने अच्छा अभिनय किया, धन्यवाद। जब दो दोस्त लंबे समय के बाद मिलते हैं तो वे क्या करते हैं? वे एक दूसरे को देखते हैं और पहचान कर मुस्कुराते हैं। वे कुछ देर के लिए बातें करते हैं। अगर दोनों में से किसी एक ने बात किए बिना बस पकड़ ली होती तो क्या उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता? नहीं, ऐसा नहीं होता।
इसका मतलब है कि रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। मैं दोहराती हूँ, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। क्या हम एक और अभिनय करें? एक छात्र किसी प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतने के बाद अपने अनुभव बताने के लिए अपनी शिक्षिका के पास जाता है। क्या आप दोनों स्वेच्छा से यहाँ आकर शिक्षिका और छात्र की भूमिका निभा सकते हैं? क्या आप दोनों तैयार हैं? आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। जब छात्र उत्सुकता से अपनी जीत के बारे में अपनी शिक्षिका को बताएगा, तब शिक्षिका कैसी प्रतिक्रिया करेंगी? शिक्षिका छात्र की बातों को ध्यान से सुनेंगी, अपना सिर हिलाकर वे उसको प्रोत्साहित करेंगी ताकि वो अपनी बात खुशी से बता सके। इससे हमें क्या पता चलता है? शिक्षिका के पास कई काम हो सकते हैं, पर इसके बावजूद उन्होंने कुछ समय निकालकर छात्र की बात सुनी और उसे अपने अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित किया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए समय निकालना भी ज़रूरी होता है। मैं दोहराती हूँ, रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए समय निकालना भी ज़रूरी होता है। अब एक और अभिनय। आप में से एक को माँ की भूमिका निभानी है और दूसरे को बेटे की। बेटा स्कूल से वापस आता है। वह देखता है कि उसकी माँ बीमार पड़ी है और बिस्तर पर लेटी हुई है। जब वह स्कूल गया था तब माँ ठीक थी, अब बेटा क्या करेगा? क्या आप दोनों माँ और बेटे का किरदार निभाएंगे? इतना अच्छा अभिनय करने के लिए आपको बधाई। बेटे ने स्कूल से आकर देखा कि उसकी माँ बीमार है। बेटे को माँ की तबीयत के बारे में पूछना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और यह कहना चाहिए कि वह शाम को बाहर खेलने नहीं जाएगा। इससे माँ को अच्छा लगेगा कि ज़रूरत पड़ने पर उसका बेटा उसके पास ही रहेगा। इस अभिनय से आपने क्या जाना? रिश्तों को बनाए रखने के लिए साथ देना ज़रूरी होता है। मैं दोहराती हूँ, रिश्तों को बनाए रखने के लिए साथ देना भी ज़रूरी होता है। अब क्या हम अगले कार्यकलाप पर जाएं? कंचन और नेहा अच्छे दोस्त हैं। कंचन के भाई की नौकरी अचानक चली गई है और इस बात की वजह से कंचन के माता पिता परेशान हैं। घर में चल रही परेशानी की वजह से कंचन भी चिंतित है। नेहा कंचन से पूछती है कि वह इतनी उदास और परेशान क्यों है। कंचन नेहा पर विश्वास करके उसे सारी बात बताती है। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखाएंगे? आप दोनों ने अच्छा अभिनय किया, बहुत बढ़िया।
वैसे तो कोई भी इंसान अपनी निजी समस्याओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहता है, पर किसी दोस्त को अपनी समस्या बताने से मन हल्का हो जाता है। आप अपनी समस्या किसी दोस्त को क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको अपने दोस्त पर विश्वास होता है कि वह इस बारे में और किसी को नहीं बताएगा। इसीलिए रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास भी जरूरी होता है। मैं दोहराती हूँ, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास भी जरूरी होता है। हमने देखा कि बातचीत करना, समय देना, साथ देना और विश्वास करना, ये सब बातें रिश्तों को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। कुछ और बातें भी हैं जो रिश्तों में ज़रूरी होती हैं। क्या हम एक कहानी के माध्यम से इनके बारे में जानें? एक दिन खाने की छुट्टी के दौरान आपका दोस्त आपसे पेन मांगता है। वह आपसे कहता है कि अगली क्लास शुरू होने से पहले आपका पेन लौटा देगा। छुट्टी का समय पूरा हो जाता है और दूसरी घंटी भी बच जाती है, तब भी आपका दोस्त वह पेन नहीं लौटाता। तुरंत ही शिक्षिका आपकी कक्षा में आ जाती है और सबको कुछ लिखने का कार्य देती है। सभी लिखना शुरू कर देते हैं, तभी शिक्षिका देखती है कि आप कुछ लिख ही नहीं रहे। आपसे इस बारे में वो पूछती हैं। आप माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि आपके पास पेन नहीं है। वह आपको खुद का पेन दे देती है। आप पेन लेकर लिखना शुरू कर देते हैं। फिर क्लास खत्म होती है। आपका दोस्त दौड़ता हुआ आपके पास माफ़ी मांगने आता है। जब आपका दोस्त आपके पास माफ़ी मांगने आए तो आप क्या करेंगे? एक, मैं उसे देखकर छुप जाऊंगा या छुप जाऊंगी। दो, मैं उसकी बात सुनकर उसे माफ़ कर दूंगा या माफ़ कर दूंगी। तीन, मैं उसकी बात सुनूंगा या सुनूंगी, उसे बताऊंगा या बताऊंगी कि मुझे कितनी परेशानी हुई और उसे माफ़ कर दूंगा या माफ़ कर दूंगी। चार, जब वह मुझसे बात करने आएगा तब मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी और वहां से चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। ये दोनों जवाब, मैं उसे देखकर छुप जाऊंगा या छुप जाऊंगी और जब वह मुझसे बात करने आएगा तब मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी और वहां से चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, उचित नहीं है, क्योंकि इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यह जवाब, मैं उसकी बात सुनकर उसे माफ़ कर दूंगा या माफ़ कर दूंगी, उचित है, पर यहाँ पर आपके दोस्त को अपनी गलती का परिणाम जानने का मौका नहीं दिया गया है। सबसे उचित जवाब है, मैं उसकी बात सुनूंगा या सुनूंगी, उसे बताऊंगा या बताऊंगी कि मुझे कितनी परेशानी हुई और उसे माफ़ कर दूंगा या माफ़ कर दूंगी, क्योंकि इससे आपके दोस्त को माफ़ी भी मिल जाएगी और उसे यह एहसास भी होगा कि उसे यह गलती दोहरानी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। हमने इससे क्या सीखा? माफ़ी मांगने और किसी को माफ़ कर देने से रिश्ते बने रहते हैं। हम इन सब बातों को कैसे याद रखेंगे? यह बहुत आसान है। हम इसे कविता की दो पंक्तियों की तरह याद कर लेंगे। विश्वास की ये बात है,
समय पे देना साथ है, माफी मांगने वाले को करना माफ है। विश्वास की ये बात है, समय पे देना साथ है, माफी मांगने वाले को करना माफ है। तो इसमें यह सभी बातें आती हैं, समय देना, साथ रहना, माफी मांगना, माफ करना, विश्वास बनाए रखना और बातचीत करना। सही है। हमने क्लास की शुरुआत में एक खेल खेला था, है ना? क्या आपको याद है कि वह खेल क्या था? हमने एक चक्र बनाया और हम उसके अंदर खड़े हो गए। मान लीजिए कि हर एक चक्र एक टापू है, तो फिर हम भी एक अलग टापू बन जाएंगे। क्या हम इस दुनिया से अलग टापुओं की तरह रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर जुड़े रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इन टापुओं को जोड़ने के लिए पुल बनाने चाहिए। हर एक पुल किसी रिश्ते का प्रतीक है। हम जितने पुल बनाएंगे, उतने ही रिश्ते और संबंध बनते जाएंगे। इस तरह से कोई भी अकेला नहीं रहेगा। इसीलिए हमें अपने रिश्तों को ध्यान से निभाना चाहिए और उनमें नयापन बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से लोगों के बीच सहकार की भावना आएगी और एकता बढ़ेगी। क्या हम वे सारी बातें एक बार दोहरा लें जो हमने अब तक इस सत्र में सीखी हैं? हम ये कैसे करेंगे? कृपया बारी बारी से मुझे बताएं कि आपने इस क्लास में क्या सीखा। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है। हम हमेशा के लिए अकेले नहीं रह सकते। हालांकि हम कई लोगों को जानते हैं, पर हम कुछ ही लोगों को अपने करीब मानते हैं। हम उन रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वही रिश्ते हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें उन रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, पर हमें उन रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए जिन्हें हम ज्यादा करीब ना मानते हों। रिश्तों को बनाए रखने के लिए जिन मुख्य बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, वे हैं समय देना, साथ रहना, माफी मांगना, माफ करना, विश्वास बनाए रखना और बातचीत करना। इन दो पंक्तियों में सारी बातें बताई गई हैं। विश्वास की ये बात है, समय पे देना साथ है, माफी मांगने वाले को करना माफ है। बहुत अच्छा, आपने इस सत्र में सिखाई गई सारी बातें याद रखी और उन्हें बोलकर भी बताया। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं, जैसे अंडमान और निकोबार के सयान अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को
आसानी से खोलने का औजार बनाया है और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है, फिर 1,00,000 सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1,000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर,
ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स, वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIEF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा, तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ तीन काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है। है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1,00,000 नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को ₹10,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कॉम्पिटिशन क्या होता है? इस कॉम्पिटिशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर
जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाओ टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards।